नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। कलेक्टरेट सभागार में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टरेट सभागार में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम में 5 नवजात बच्चियों का केक काट कर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। इनकी माताओं को बेबी किट एवं सम्मान पत्र दिया गया। साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, खेल, साहसिक कार्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी द्वारा सम्मान पत्र एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो लगा हुआ कप, टी शर्ट एवं टोपी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। साथ ही 50 बालिकाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। माननीय सांसद ने कहा कि बेटियां न केवल समाज के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। आज के समय में बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं रह गया है। बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। इस कार्यक्रम में संबंधित विभागों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी मुमताज कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही एवं उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रदेश था। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश बना। हमारे बलिया के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके आ जाने से कार्यक्रम में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चियां चूंकि काफी समय से आई हुई हैं और हम लोग सर को हम संज्ञानित कराना चाहेंगे कि हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम अभी किए हैं, विभिन्न गतिविधियां किए हैं जिसमें हमारी आधी आबादी की जो युवा पीढ़ी है इनसे हमने इंटरेक्शन की बात की है, इनसे हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की, इनकी सिक्योरिटी की हमने बात की है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अब इनके लिए क्या हम पहल कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या पहल कर रही है, शासन का क्या प्रयास है, उस सभी चीजों से अवगत कराया गया है, संज्ञानित कराया गया है। इनसे बात की गई है कि सिक्योरिटी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ की मामला हो या न्यूट्रिशन का मामला हो, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा, सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा ये चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। उनको एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि हमारी युवा पीढ़ी जब तक सशक्त नहीं होगी, समाज हमारा सशक्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जैसा कि मैंने बताया, 2018 से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या रहा कि 24 जनवरी को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसीलिए 2018 में तत्कालीन सरकार ने इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने का निर्णय लिया कि जो हमारा स्थापना है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, उसे हमें हमेशा यादगार रखना चाहिए और उनसे सीखते हुए उसको हमें और सशक्त और मजबूत बनाना चाहिए। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। 2018 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।